वेलकम फ्रेंड्स। जब भी आप टैली प्राइम यूज करते हैं तो एक सवाल आपके भी मन में आता होगा, आखिरकार टैली प्राइम को डाउनलोड कहां से किया जाए, कैसे हमें टैली प्राइम मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम को किस प्रकार से डाउनलोड किया जाए। देखिए, ये टैली की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है टैली सॉल्यूशन। आपको वो वेबसाइट सर्च करनी है, यानी टैली सॉल्यूशन ही आपको सर्च करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको सर्च करना है टैली सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं टैली सॉल्यूशंस, तो यहाँ देखिए टैली सॉल्यूशंस आ जाता है, और टैली सॉल्यूशंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो ये टैली की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं टैली सॉल्यूशंस लिखा हुआ है, और ये टैली की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये इंटरफेस देखने को मिलता है, यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप टैली प्राइम को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसमें अलग अलग वर्जन है, टैली प्राइम का एडिट लॉग वर्जन है, और ये टैली प्राइम का लेटेस्ट वर्जन 4.1 है। तो जो भी आपको चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको परचेजिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप टैली प्राइम का सर्वर परचेज करना चाहते हैं, या टैली प्राइम को एज अ डेवलपर यूज करना चाहते हैं, या टैली प्राइम को ही आप परचेज भी करना चाहते हो, तो बाय नाउ के ऑप्शन पे जाके क्लिक करके आप परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टैली प्राइम में सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी दी जाती है कि टैली प्राइम को आप डाउनलोड करिए, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ, पहले तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, मेरे पास टैली प्राइम जो इंस्टॉल था मैं उसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ यहाँ से जाके। तो ये पुराना जो हमारे पास था टैली, उसे मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। इस बार हम क्या करेंगे, टैली प्राइम को डाउनलोड करेंगे, और टैली प्राइम का जो 4.1 वर्जन है उसी को हम डाउनलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर वापस आते हैं, टैली सॉल्यूशन सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हमें सर्च करना है टैली सॉल्यूशन, यहाँ पे नीचे आ ही रहा है, इस पर क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करके और यहाँ पर जा करके, और टैली प्राइम का हम इस बार एडिट लॉग नहीं डाउनलोड करते हैं, हम जो है जनरल इसका जो वर्जन है उसी को डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस आएगा आपके सामने, इसमें कह रहा है कि एडिट लॉग वर्जन डाउनलोड करना है या टैली प्राइम का जनरल जो वर्जन है उसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हम टैली प्राइम का जनरल वर्जन डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये डाउनलोड होने लगा है, टैली प्राइम का जो 4.1 लेटेस्ट वर्जन है उसे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ये डाउनलोड होगा तो फिर इसको इंस्टॉल कर लेना है, और कैसे यूज करना है ये भी बताता हूँ आपको। पहले ये इंस्टॉल हो जाए, ये डाउनलोड हो जाए, तो ये डाउनलोड हो चुका है, ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है। तो अब जब डाउनलोड हो जाएगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा, सेटअप ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद जो, अब देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि इसको इंस्टॉल करना है या कॉन्फिगर करना है, तो हमें फिलहाल इंस्टॉल करना है, तो हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, देखिए ये इंस्टॉलिंग हो रहा है, और अब ये इंस्टॉल लगभग हो गया है, थोड़ा सा और रह गया है, इसको पूरा इंस्टॉल कर होने देते हैं। देखिए ये इंस्टॉल हो गया, अब ये कह रहा है स्टार्ट टैली प्राइम, तो टैली प्राइम को हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस पे क्लिक कर देना है, शॉर्टकट की एस होती है, आप एस भी प्रेस कर देंगे तो ये स्टार्ट होने लगेगा। आप देखिए टैली प्राइम इस तरीके से स्टार्ट होगा, आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो टैली प्राइम जब स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें हमें क्या यूज करना है वो बताऊंगा आपको। ये टैली प्राइम इंस्टॉल हो गया, और यहाँ एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये एक ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। हमारे पास कोई लाइसेंस वर्जन नहीं है, ना ही हमें कोई एक्टिवेट रीएक्टिवेट करना है लाइसेंस को, और नेटवर्क से भी हमने कोई लाइसेंस जो है ले नहीं रखा है, हम सिर्फ एजुकेशनल मोड यूज करेंगे जो कि बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर क्लिक करिएगा ट्राई फ्री, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके का सिनेरियो आएगा, और अब आप यूज कर सकते हैं टैली प्राइम को सीखने के पर्पस से। तो देखा कितना आसान है इसे इंस्टॉल करना, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। अब यहाँ से आप जाकर के कंपनी वगैरह बना सकते हैं, जो भी काम आपको करना है वो सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं, अब ये काफी आसान हो गया आपके लिए। इसमें बस एक ही दिक्कत है कि आपका डेट नहीं चेंज होगा, ठीक है, बाकी लगभग सारे फीचर्स वैसे ही रहेंगे जैसे कि आपको पेड वर्जन में मिलते हैं, ठीक है। तो ये वो तरीका है जिससे आप टैली प्राइम दोनों इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे आप एजुकेशनल मोड यूज करना चाहे, चाहे आप पेड वर्जन, तो पेड वर्जन के लिए पेड करना पड़ेगा आपको, लेकिन एजुकेशनल वर्जन के लिए आपको कोई भी पेड नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।